नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम कदमतर के पास है, यानी ये एरिया सतनी सराय के नाम से जानी जाती है। चित्तू पांडे से कदमतर मार्ग, वैसे मालदेवपुर से कदमतर तक दोनों तरफ नाला का निर्माण और सड़क का चौड़ीकरण का कार्य बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि टेढ़े मेढ़े नाले जो बन रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? अभी आपने देखा, कल जिलाधिकारी के सामने एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय स्वयं थे। उसमें चर्चा हुई कि जो शहर में जो नाला बन रहा है, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से बन रहा है, यानी सांप की तरह। उस पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 3 सदस्यीय टीम को गठित करके जांच करने का आदेश कर दिया है कि आखिर ये नाला टेढ़ा कैसे हो गया। वैसे नाला सीधे होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार और मौके पर जो भी जेई जिनकी जिम्मेदारी बनती है, हो सकता है उन्होंने ध्यान न दिया हो, इसलिए जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ नाला एकदम सांप की तरह टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे, जिस पर सवाल खड़ा हो गया। अभी आपने आज देखा कि जापलिनगंज क्षेत्र में मालगोदाम रोड के पास कुछ महिलाएं विरोध करके आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पहुंची थी। उनका मामला क्या था जानिए। उनका मामला था कि जो नाला बने वो एक लेवल पे बने, एक सीधा बने, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। खैर, अधिकारियों ने इस मामले को जांच करने का भी आदेश कर दिया है कि आखिर मामला है क्या, आखिर महिलाएं और लोग क्यों जिलाधिकारी कार्यालय गए। दोस्तों, नाला का निर्माण जिसको लेकर एक गंभीर समस्या बनी हुई है, विकास कार्य तेजी पर है, लेकिन टेढ़े मेढ़े नाले पर अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। अब खैर, जिलाधिकारी का 3 सदस्यीय जो टीम जो जाँच करेगी, वो जाँच में दोषी कौन होगा, ये वक्त बताएगा। नमस्कार।